भजन कर। बात बताने जा रही, छोटी सी बात है आदरणीय दादाजी, बिल्कुल जरा सी बात है, बिल्कुल कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी सी सरल सी एकदम मुलायम। कहा है क्या कि बिंद के बासी उदासी तपोव्रत ओधारी महाबिन नारी दुखारे गौतम कथा सुन भय मन वृंद सुखार होए है सिला सब चंद मुखी पर से पद मंजुल कंच तिहारे तो कीनी भली रखो नायक जू और करुणा कर कानन को पगधार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी सोच रहे हैं कि संत महापुरुष सभी जो तपस्या कर रहे थे, ऋषि मुनि जिनकी शादी हो चुकी वो भी सोच रहे हैं, जिनकी नहीं हुई वो भी सोच रहे हैं। जय हो। क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु जंगल में हैं, आ गए हैं, और जब गौतम ऋषि की जो पत्नी उस पर उन्होंने चरण अपना रख दिया, पैर रख दिया, वो नारी में सला परिवर्तित हो गई, तो जिनके नहीं थी उन्होंने सोचा क्या आखिर हमें भी मिल जाए इसी प्रकार से। उन्होंने प्रभु को आमंत्रित कर दिया अपने यहाँ, और आमंत्रित करने के बाद बढ़िया बढ़िया सी पथरियां सफेद सफेद गोरी गोरी ढूंढी और मार्ग में रख दी, प्रभु आएंगे तो इन पर पैर रखेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा भाई, मैं हम तो हरते साथ में। तो विंध्याचल पर रहने वाले अरे रहते बिना मेहरिया, क्या बात है, सभी लोग रह रहे हैं, कोई नहीं है बेचारों के, और तप व्रत धारी सोचे मन में कैसे मिले सभी सोच रहे हैं कि अगर
फैल जाए जिस प्रकार से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हो गई, इसी प्रकार से अगर हमारा भी मामला बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्या बात है के तप व्रत दारू सोच रहे हैं कि कैसे मिले मेहरिया लेके, के कर दो कृपा मिल जाए मेहरिया। बहुत बढ़िया। और चरण कमल का जादू पथरिया से बन गई मेहरिया। सस्पेंस है, सभी बेचारे सोच रहे हैं होगा। चरण कमल का जादू पथरिया से बन गई मेहरिया, तो बन गई नारी एक पथरिया, और छू जाए पावत बने मेहरिया। इन पत्थरों में अगर पैर टच हुआ भगवान को तो यहाँ भी एक मेहरिया हमको मिल जाएगा। बन गई नारी एक पथरिया, और जो छू जाए पावत मिले मेहरिया। और ले ली प्रभु ने आज खबरिया मेरे राम जी, तो हो जाए घर बारी को जरिया, और अभी ना चले और ना जरिया। और डाली दया की आज नगरिया मेरे राम जी, बहुत बढ़िया बात। आपसे कुछ नहीं कहूंगा ना बेटा, ना कुछ ना कहो। क्यों? आपकी समझ से बेसमझ हो चुका। हाँ बेटा, ये तो हम भी समझ रहे हैं। क्या कल थी क्या आज हो गई, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कल थी क्या आज हो गई, जो हुनर कल थी वो आज नहीं। क्या कल थी क्या आज हो गई, और जो हुनर कल थी वो आज नहीं। कमों के आँच में आंसू उबाल कर देखो, कमों के आँच में आंसू उबाल कर देखो, सही है, बनेंगे मोती अदब से संभाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर कर देखो। जय हो बेटा, जय हो, बहुत बढ़िया। मोहब्बत में इनकार कितना हसी है, मोहब्बत में इनकार कितना हसी है, ये अंदाजे इकरार कितना हसी है। माना कि सपना है संसार, लेकिन लेकिन माना सपना है संसार, लेकिन लेकिन ये सपनों का संसार कितना हसी है। बढ़िया,
पियो बेटा। विद्या जी जय जय। आपकी समझ से बाहर है मामला। हाँ हाँ बिल्कुल है। यहाँ जनमानस सभी विराजमान है, सभी बुद्धिजीवी है। ये तो हमारे आदरणीय संजय भैया बताएंगे। हाँ हाँ। जब परसों चैनल देखा जाएगा कि कौन की कितनी ड्यूटी है। बिल्कुल बात सही है। यह ड्यूटी का मामला फंसा है। हाँ, यही तो बात जब है। पता लगेगा कि किसकी कितनी ड्यूटी है। बबड़िया। और फिर आपको ड्यूटी से क्या मतलब है। सही है, कोई मतलब नहीं बनता आपको। आपको जब यही पता नहीं है, आप कह रहे बोले खंड 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 खंड। ओपो। जबकि खंड खंड नहीं हुए, दो खंड हुए। दो खंड हुए केवल, दो खंड मात्र, दो खंड, दो खंड हुए केवल। दूसरी बात, आपको ये पता नहीं कि हनुमान जी महाराज बिल्ली बने या नहीं बने। ये तो सब पढ़ाई लिखाई का मामला है बेटा। आप कह रही बोले स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दिया है, यही तो आनंद है। अगर बिलौटा प्रमाण होता बिलौटा का, तो हम बिलौटा कह देते। सही है बेटा, हम बिलौटा कह देते, हमें बिलैया कहने की क्या दिक्कत। सही बात है, बिलौटा का प्रमाण होता तो बिलौटा देते, अगर सिलौटा का होता तो सिलौटा देते। भाई प्रमाण तो प्रमाण होता है नहीं, अब हम क्या करें, जिसका प्रमाण है वही तो देंगे। आप, आपको यही पता नहीं कि हनुमान जी ने बिल्ली का रूप धारण करके पूरी लंका में भ्रमण किया, पूरे लंका नगर का चक्कर लगाया उन्होंने। है? सभी जानते हैं इस चीज को। उफ़ राइटर महोदय बैठे थे। बहुत बढ़िया। नहीं मैं नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा कि आदरणीय हमारे संजय भैया बैठे हैं। हाँ वो जानते हैं, ये मर्यादा के खिलाफ मामला फंस जाएगा। बिल्कुल बात सही है। हनुमान जी नारी भी बने, सत्य है ये बात। हाँ, हाँ, बिल्कुल सत्य है, हमने भी देखा टीवी पर। दूसरी चीज, आपने अलग से क्या लेके आए, अलग से कुछ लेके नहीं आए। हाँ, हाँ। हमने कहा आपसे, क्या कहा तुमने इनसे, लाल लगोटा बजरंग का। ये है मामला, ये है मैटर। आपने लिख दिया कि लाल लगोटा हनुमत का बजरंग का। बहुत बढ़िया, उधर बजरंग का इधर हनुमत का, कहां अंतर पैदा किया। आप क्या नया माल माल क्या लेके आए, मतलब वही बात है, अपना माल माल दूसरे का गोल माल, आज तुम्हें हुआ क्या है। कुछ नहीं, हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। अरे कुछ मेहनत करो, ड्यूटी करो, कुछ नहीं बस हलो, फायदे में रहोगे कायदे में रहोगे। बिल्कुल बात सही है, लेकिन चलो अच्छी बात है। छोड़ो बेटा छोड़ो, ये तो संजय भैया कल बताएंगे कि आपने क्या पूर्ति की है। बिल्कुल बात सही है, चलो बढ़िया बात है। ओहो, आपकी तरफ से एक गीत बजा, प्रयास है अपनी तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल, अर्घ्य में बागों से चुन चुन कर लाई चंपा की कलिया, जय हो बबड़िया। और ये कलियों से सजा दूं मैं साजल की कलिया, मैं साजल की कलिया, मैं साजल की कलिया। अखियां मिला मेरी अखियों से, यह क्या बात है बेटा, क्या बात है पपड़िया। मैं फूलों की रानी तू चंपा की है माल, पपड़िया नाम है चमेली। कैसे बेटा, बेटा ढोलक भड़बड़ाना चीज अलग होता है और बजाना चीज अलग होता है। सही पपड़िया, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिनी अलबेली। क्या बात बेटा, क्या बात है।
मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालिनी अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। ये बबड़िया और दरोगा बाबू बोलो और चना दर बच्चा तो खोलो। क्या बात है बेटा, क्या बात है। दर बच्चे पे मैं खड़ी बड़ी देर से। बबड़िया, क्या बात है। जय हो। मैं हूँ नाम है चमेली, मैं हूँ मालिनी अलबेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर, चली आई मैं अकेली बीकानेर से, ओ चली आई मैं अकेली बीकानेर से। बढ़िया गीत आया आपकी तरफ से। विंध्याचल पर्वत पे रहते, क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या बात है। मैं कछू खोपड़िया, खोपड़िया क्या बात है। विंध्याचल पर्वत रहते बे तो पर्वत पर ही रहते रहते हैं बे तो देखो बिना महरिया, बिना महरिया के रहते हैं और क्या। अरे वाह, बन गई नारी एक पथरिया, बन गई। एक तो आप इतनी जल्दी करते हो कि शायद लिखा ना जाए। ओफो, आप ऐसे भड़बड़ा रहे, ऐसे भड़बड़ा रहे जैसे आपको कोई पीछे से धक्का दे रहा हो और आप रेस लगा रहे हो। मामला कुछ ऐसा ही है। तसल्ली से कहो, कोई भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना बेटा ना। और जे आदरणीय हमारे गुरुतुल्य आपका गांव है, तो आप इनसे कहो कि आप तसल्ली करें। सही है, आप तो घर में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, घर वाला मामला है। बन गई नारी एक पथरिया, डाली उन पे एक नजरिया, डाली दया किए नजरिया, रहते हैं वो बिना तो अपनी तरफ से प्रयास है। हाँ बिल्कुल बेटा, अपनी तरफ से प्रयास है, प्रयास है। विद्या जी सुने आप, एक बात आती है यहाँ, साधु संत इस चीज को तो चाहते हैं कि हमें नारी मिल जाए और क्या घर बस जाए, लेकिन उनमें एक विशेषता पाई जाती है आदरणीय विद्या जी। कुछ कुछ में एक साधु कहते हैं कि नारी मिले और एक कहते हैं ना मिले, मुझे ना मिले। बढ़िया, एक डर रहा है नारी से और एक नारी पाने के लिए चाह रहा है। सब सुने आप, सबकी अलग अलग सोच है भैया, क्या कर रहे हो। केवट ने कहा राम से, ये बात केवट ने कहा, क्या कहा प्रभु राम से, स्वामी स्वामी बबड़िया एक बात है हमारी, सुने आप। सुनाया के बट बोला, यार तुम्हें ले जाऊंगा मैं हरिया, बबड़िया
के बट बोला पार तुम्हें ले जाऊंगा मैं हरिया। पहले पाँव धोलाऊ प्रभु कृपा की करो नजरिया, की करो नजरिया, कृपा की करो नजरिया, कृपा की करो, कृपा की करो नजरिया, तुम्हारे पाँव की धूली से नारी बन गई पथरिया। छुअत सिला भई नार सुहाई, ताते प्रभु न कछु काठ कठिनाई। तुम्हारे पाँव की धूली से नारी बन गई पथरिया। क्यों नैया बन गई अगर मेहरिया, घर में बैठी मोर मेहरिया। जय हो। बोले प्रभु छुअत सिला भई नार सुहाई, आपके पद रज रखते ही एक पत्थर की सिला नारी बन गई, और अगर हमारी एक काठ की कठौता नौका अगर नारी बन गई तो उस नारी का क्या होगा? क्या बात है बेटा, क्या बात है विद्या जी, उस नारी का क्या होगा? उस नारी का, उस नारी का जो घर पे है। बहुत बढ़िया, बहुत विद्वान हो बेटा तुम, वास्तव में आज समझ में आया है। नैया बन गई अगर मेहरिया, घर में बैठी मोर मेहरिया, दुई दुई होए बे सात मेहरिया मेरे नाथ जी। जय हो प्रिया। हमरी खो हमरी झोपड़ी नहीं सजरिया, दूसर कोई नाही नजरिया। हमरी झोपड़ी नाही सजरिया, दूसर कोई नाही जरिया, नैया से हम करे गुजरिया रघुनाथ जी। प्रभु इस नैया से ही हमारे परिवार का प्रतिपाल हो रहा है। सही बात है बेटा, अगर ये कहीं मेहरिया बन गई तो हमारी तो लुटिया डमाडोल हो गई। बिल्कुल बात सही है, खर्चा भी बढ़ जाएगा, कहना पड़ा। क्या बात है, दूसर कोई नाही जरिया, दूसर कोई नाही जरिया, नैया से हम करे गुजरिया रघुनाथ, नैया से करे गुजरिया रघुनाथ। नैया बन गई अगर मेहरिया, घर में बैठी मोर मेहरिया, दुई दुई होए बे साथ, दुई दुई होए बे साथ, दुई दुई होए बे साथ मेहरिया मेरे नाथ हमारे परमादरणीय सम्मानीय भैया पंडित पवन कुमार तिवारी जी, ग्राम विकास अधिकारी, जिनके कर कमलों द्वारा पुरस्कार मिला है। बिल्कुल बात सही, हम महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सटीक जवाब पे है भैया, और महाराज कह रहे हैं बोले एक बार इस लाइन को और सुनाओ। बिल्कुल सुनाओ, तो सुने आप केवट गहरा, बड़े प्यार से गहरा बोले प्रभु, प्रभु केवट बोला यार तुम्हें ले जाऊंगा मैं हरिया। हरिया के बट बोला पार तुम्हें ले जाऊंगा मैं हरिया, पहले पाए धुलाओ प्रभु कृपा की करो नजरिया। तुम्हारे पाँव के धूली से नारी बन गई मेहरिया। तुम्हारे पाँव की धूली से नारी बन गई मेहरिया,
मैया बन गई अगर मेहरिया घर में बैठी मोर मेहरिया बेटा दे मेहमान मेरे हमरी झोपड़ी नहीं सिजरिया घुमड़िया दूसर कोई नहीं जरिया नैया से हम करे गुजरिया रघुना से हम गुजरिया